हेलो गाइस, वेलकम टू अनसैटिस्फैक्टेड। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए एक और बेस्ट इसका सेल्स और जो मैं आज आपके शेयर बताने वाला हूँ फाइनेंस सेक्टर के का सेल्स और ईपीएस 999% बढ़ चुका है दोनों भी। मतलब बढ़िया तरीके से रिजल्ट ले आ चुका है। ठीक है, इसका अगर रेजिस्टेंस देखोगे, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ बोथ स्विंग प्लस इन्वेस्टमेंट के लिए। देखो, इसका एक 30 पर रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है इसका। इस बार ये ब्रेकआउट करने के लिए जा रहा है, समझ लो कि मैं आपको ब्रेकआउट से पहले ही दे रहा हूँ। तो अगर आप इसको बाई करने का, आप खाली मार्केट खुलते ही बाई कर सकते हो। मतलब 915 पे मत करना, 930 पे करना। अगर ये अपर सर्किट पे भी होगा तो भी 915 पे कई स्टॉक्स को हो सकता है, आपको अपर सर्किट में आपको मिल सकता है माल कईयों में। ठीक है, अगर आप इसको देख सकते हो कल। और इसका टारगेट क्या रहने वाला है, देखो, स्विंगों के लिए 32। अगर ये 30 भी जाएगा ना, आपको करीब 4% का प्रॉफिट मिलेगा। स्विंग के लिए आपको टारगेट उड़ सकता है 35 to 40। लॉन्ग टर्म के लिए 60 तक का सीधा डबल कर सकता है आपका फिर लॉन्ग टर्म में। ओके, इसका अगर हम टोटल ओवरऑल इसमें बात करें, इसका फंडामेंटल बात करें, एक मिनट आपका अगर फंडामेंटल दिखा दूँ इसका, तो देखो इसका मुझे प्रमोटर बहुत अच्छा लगे, क्योंकि अगर मैं दिखता हूँ आपको, देखो मतलब स्मॉल कैप कंपनी, इसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा कह सकते हो। ठीक है, पी कितना है, 12.7, एक सस्ता मिल रहा है, सस्ता नहीं सस्ता ही है। मार्केट कैप 27.4 करोड़ का। कंपनी करता क्या है, कंपनी देखो, कंपनी का नाम पहले कहना, सोमदत्त फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। करता क्या है कंपनी, सोमदत्त फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनी, मतलब एनबीएफसी लोन देना, पता है ना आपको एक फिनेंस क्या करता है, वैसे ही इसका पीयर्स देखेंगे किसके साथ ये जो ट्रेड ये करता है, कंपटीशन रखने की ताकत रखे। देखो, बजाज होल्डिंग्स हो गया, कोलोफिन इन्वेस्ट हो गया, हाँ, मुथूट फिनेंस हो गया, आप देख सकते हो इधर। मतलब ये कह सकते हो लास्ट में है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ऑल इसका पी मुझे थोड़ा अच्छा लगा। ठीक है, आप इधर एक मिनट, या देखो इसका मुझे इसका अच्छा क्या लगा पता, प्रमोटर्स होल्डिंग अगर मैं आपको दिखा दूँ इसका, पहले प्रमोटर्स में बाद में हम डिस्कस करेंगे, प्रमोटर्स का होल्डिंग दिखा दो 69%। ठीक है, एक बेस्ट प्रमोटर्स होल्डिंग कह सकते हो, 60 to 70% प्रमोटर्स के पास होना जो उनका कंपनी स्टेक, वो एक बेस्ट चीज़ है। ठीक है, कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अच्छा है। और एक मुझे अच्छा लगा इसका, आप इधर प्रोस में देखोगे, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी आप आँख बंद करके रख सकते हो, क्योंकि ये देखो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। ओके, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है एक। और क्वार्टर्स रिजल्ट बात करें तो इसका सेल्स जो है एज़ कम्पेयर टू मार्च 2020, देखो जो जीरो, ये जब भी लिस्ट हुआ था ना तब से जीरो से ही दिखा रहा था, अभी पहली बार इसने नंबर्स पे दिखाना शुरू किया। ऑब्वियसली ये आप देखो, ठीक है, क्रॉस में स्टैंडर्ड लोन फिगर्स है, क्रॉस में आप इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो। मैं बस नंबर बोलूँगा आपको, ठीक है, 2.49 की क्रॉस में जो सेल्स हुआ है इसका। ओके, अगर इसका क्वार्टरली Q1 की बेसिस पर मैं आपको प्रॉफिट दिखा दूँ तो माइनस से देखो जो 0.10 है, ठीक है, 0.10 से आप फर्स्ट टाइम भी नंबर भी एक पॉजिटिव से 0.0 से जो कर रहा था, देखो 0.00 से कर रहा था, अब फर्स्ट टाइम एक अच्छा खासा नंबर से दिखा रहा है कंपनी। अगर आप इसका ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस भी देखोगे, अगर मैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दूँ तो ये भी अच्छा है बहुत, क्योंकि ये भी मतलब अच्छी तरीके से दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। देखो 5.37, ठीक है, मार्च 2020 में कितना था, 0., मतलब डबल ट्रिपल कितना परसेंट, करीब 10% बढ़ चुका है। ठीक है, अगर आप इसका नेट प्रॉफिट भी देखोगे, ये भी बढ़ चुका है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, देखो इसका तो बात किया ही है हमने, क्योंकि एक अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, 69% प्रमोटर्स के पास होना एक अच्छा साइन दर्शाता है। अगर मैं ओवरऑल इसका बात करूँ, आपको इधर क्लियर कटली दिखेगा इसका, एक मिनट, इसका देखो इधर आपको क्लियर कटली दिखेगा। ठीक है, अब अपर सर्किट में है, इसका रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे,